सत्संग वाणी में लिखा है, सत्संग कर तो बहुत दिन बीते, अब तो थोड़ी पुरानी बाण। सत्संग गुरु कहता सत्संग कर तो बहुत दिन बीते, अब तो थोड़ी पुरानी बाण। कब तक करे कुटड़े सा गुरु से, अब तुले गुरु को पहचान। कितना देर कुटड़े तक रहेगा तो उसको पहचान ले क्या वो। गुरु को तुम मानस में जानो, वो है सतपुरुष की जान। जैसे तैसे मन समझाओ, वाणी है या रब सावणी गाय छत समझो। जैसे तैसे मन समझाओ, धर्म प्रतीत करो निध्यान। आप समझेगा नहीं तो पहले क्या करता है, गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं सुनना। अगली मंजिल तो दूर है, पहले कोई इष्ट बना लो। किसको बना लो, कि जिससे विश्वास आता है, जिसकी बात सुन करके विश्वास आता है, बात अच्छी लगती है, वो ऐब नहीं दिखता है, उसको इष्ट बना लो। अगर तुमको ऐब दिखता तो उसको मत बनाओ, क्योंकि ऐब सामने विचार रखें वो सामने आ जाएगा। तो जब आपको समझते हो कि इससे बिल्कुल ठीक है तो ये काम करो। इस बात को देखते एक युग के अंदर फिर ये मूर्ति बताई मन को इकट्ठा करने के लिए। कभी आदमी तो कोई उनका अवगुण होगा तो उन्होंने सोचा कि मूर्ति का घट हो जा, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, सच्चा मान दो। तो बोले आदमी से मूर्ति को मान दिया, मूर्ति प्रकट होने लगी, सिद्धि आ गई। सिद्धि तो आ गई, अब उसको ज्ञान के लिए तो ज्ञान तो गुरु देगा, मूर्ति ज्ञान नहीं देगी। इसे दो काम करना पड़ता, मन को इकट्ठा फिर मन को इकट्ठा करता था और फिर किसी गुरु को गुरु मानता था। दो काम करते, जैसे ब्राह्मण थे हमारे शिवमणि थे, जैसे समझ गया उनका निकाल, तो ऐसे करो यार। दो चीज़ करने से परेशानी होती है, तो तुम ऐसे करो कि किसी ऐसे आदमी को पूरा मान लो, मूर्ति के बजाय मूर्ति को मत करो जो जिंदा आदमी हो। जिंदे वाली तो बात राधा स्वामी ने कही, पर कर गया तुम किसी को मान लो, किसी बीत राग पुरुष को खोपड़ी में रखो, पतंजलि दिखाई दिया, पतंजलि ये देखा जिंदे को रखो, जिंदे से बात ज्ञान मिलेगा आपको। अगर गया गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, वो तक जिस वक्त जिस आदमी को ज्ञान दिया वो तो उनके लिए ज्ञान था, आपकी प्रकृति के मुताबिक नहीं है। जो उसके उनके सामने बैठे थे और जो हाजिर थे उनको दिया था। अब तो ज्ञान तो जो हाजरा गुरुदेव वो देगा, अब वो गुरु ज्ञान आपको आगे का नहीं दे सकेगा। हाँ, उसकी किताब पढ़ो बहुत भरम दूर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप उसको हाजिर मानते नहीं। पूछोगे किसे, पूछोगे किसे, वो तो ही नहीं, ब्राह्मण लिख रहा लिख रहा तो है ही नहीं, समझेगी ना आप। एक बुक लिखे वो बुक लेखक तो है ही नहीं, तो बुक लेखक अगर है तो उसे वेरीफाई किया जा सकता है, तसली करी जा सकती है। अभी आप मैं फर्ज गुरु में जो बात कर रहा हूँ और साथ तो मेरी बात सुनते हो, साथ ही आप मेरी किताब देखते हो, तो आपके लिए मैं शरीर छोड़ गया तो मर जाने, वो आपके लिए जिंदा हूँ मैं। आपकी जो जिंदगी पुस्तक पढ़ी मेरी बात करी हुई, तो जिंदे से बात सुनिए, बात छोड़ना है और वो टल नहीं सकती। तो जिसका ध्यान बन गया है, जिसको ज्ञान हो गया है, उसका रूप छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जिससे काम नहीं चल रहा है, नहीं होया है, तो दूसरा गुरु धारण करना पड़ेगा। अभी तो दूसरे गुरु का ध्यान इसलिए कराते हैं जो हाजिर बैठा है उसका, तो बोले आदमी तो उसका भी कर देते, वो उसकी वो आने लग जाता है। और छाने होते ना सड़ा, इसमें बहुत नुकसान। तारा चंद जी महाराज तो ये करते थे, ये ऐसा करता है, ये काम ऐसा करता है, तो उनको कोई लाभ नहीं होगा। समझे कि नहीं बात। तो जिंदे गुरु को जो गुरु ध्यान मिल जाता है, बदला नहीं जा सकता, वो उसका ठुक जाती है गरीब बात, कि वो गुरु जो था वो ज्ञान देता था। तो उसका इष्ट अगर बन गया लें तो इष्ट को चेंज मत करो। हाँ, अगर ऑटोमेटिक बुद्धि हो जाए तो अलग बात है, आपकी बुद्धि मान जाएगी ऑटोमेटिक बुद्धि हो जाए तो ठीक है, कि उसकी बात है एक मिले दोनों बात, तो उस आदमी के लिए कोई जरूरत नहीं, वो ठीक हो ध्यान बन गया। लेकिन जो अभी तारा सिंह जी और समझता है और इसको और समझता, उसको लाभ नहीं होगा, समझेगी ना आप। तो इसलिए उसको विश्वास आरोप बनाना पड़ेगा, क्योंकि बात खेल विश्वास किए सब, जहाँ आपका विश्वास आता हुआ तो गुरु मर गया का वो है कि ज्ञान दिया है, हाजिर नहीं है। अब फकीर बाबा है तो फकीर बाबा का चाहे स्वर ध्यान करे वो गुरु कर दिया, सिद्धि भी आ गई। लेकिन फकीर वाली बात तो मिलेगी नहीं, ऐसे आपको सुनेंगे नहीं। फकीरी बात तो फकीर ने कही है, उसका लहजा तो वही है, वही कहता है कि पहले इसके मिजाजी करो। किसी ने कहा बोले महाराज, फिर गुरु का ध्यान नहीं करना चाहिए, बोलता धर्मराज से तिनका थोड़ा मुझा सत्संग दिया। तो किसी ने सवाल कर महाराज, फिर गुरु का ध्यान तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे जाएगा नहीं,
वापिस आ जाएगा। बोले नहीं 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 मैं बहुत ऊँचा बोल गया हूँ, बिना गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं छोड़ता, मैं करता हूँ। वो विश्वास दिलाने के लिए और कह रहा है कि मैं करता हूँ बाबा का, मेरे सामने आ जाता है फोटो, सारे दिन सामने रहता है, ये रहता है वह रहता है। उसको रिपा पोती करते हैं, पहले तक एक आदमी को होता है विश्वास नहीं टूटा, विश्वास टूट जाएगा दोबारा बनेगा नहीं, तो रिपा पोती की बात कही उसने। और ये जो ज्ञान है ये उनको आगे का आदमियों का है, PhD है जो जानना चाहते हैं उनको भी ध्यान करने की जरूरत नहीं। मैंने कभी ध्यान करे नहीं बाबा का, कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ध्यान से आगे की बात होगी, बात जो रूप है रूप से आगे ही बात होगी, वो राम नाम की बात आएगी। अहीं इतना बात है वो राम नाम है, इसी देखा तो है नहीं, अलख निरंजन अलख निरंजन, इन्हें अलख है वो तेरे को नजर आएगा, उसको नहीं तो पकड़ा जाएगा नहीं देखा जाएगा, नहीं करा जाएगा अनुभव करा जाएगा। अब अनुभव क्या चीज़ है मैं बताता हूँ, गुड़ की मिसाल देता हूँ, वह अनुभव ये है गुड़ का स्वाद, प्रूफ करता हूँ कि गुरु का स्वाद नहीं तो कागज़ पर लिख सकते हो, नहीं तो बोल के बता सकते हो ये स्वाद है गुड़ के स्वाद को, तो क्या करोगे अनुभव करा सकते हो, समझा नहीं बात। तो ये इस तरह से बाहर का गुरु जो है काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता बात होती है। ये मतलब करने का यह है कि सत्संग सुनते रहो पूरी उम्र, और पूरी उम्र शब्द सुनते रहो। अगर आपको बाहर का गुरु संस्कार नहीं देगा और आपको नहीं बताएगा जगह नहीं छुटाओगे तो उसी में सुनते रहो, ठीक है मन लग जाओ जगह नहीं की जगह ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ज्ञान के लिए आपको जिंदे गुरु से लेना पड़ेगा। जिंदा गुरु आपको एक जगह छुटाएगा दूसरे आगे बढ़ाएगा, जो मास्टर कहता परिक्रासन पास हो गया ना तो वो दूसरे में कर देगा, दूसरे में पास हो गया तीसरे में कर देगा। तो जिंदे गुरु को सब मान यार इस बरादर स्वयं फेत की जो बढ़ाई है वो इस बात में, वो कहता तुम जिंदा गुरु से लो, और इस बात को चुप जाते हैं लोग, महाराज जी ये कहा था महाराज जी ये कहा था महाराज जी क्या थोड़ी बात आई समझ बात। तो जिंदा गुरु आखिर तक सही सत्संग ये इसका मतलब वही है, और कोई आ जाएगा भाई आपको गुरु का मतलब जिस आदमी से ज्ञान दे रहा है वो और आ जाएगा, जिसकी बात आपको जचेगी तो आगे का रास्ता वो बताएगा। अब कहीं कहते हैं कि मैं तो यहीं तक जानता हूँ इसका आगे नहीं जानता, बिल्कुल ठीक है बात है, तो उनको फिर चाहिए आगे की बात बताने वाला, अरे वो जिंदा गुरु बताएगा। तो वो ऐसे आदमी कहते नहीं आते वो मेरे से चुमाएँ मांगे की बात कमला बताती हैं संस्कार दे दी, छोटी बात नहीं है ये कहते हैं पूरा बता दो तो संस्कार दे दिया सब, छोटी जगह साधन ये करके लो देख लो, अगर छोटी पर जाओगे उस वक्त बेहोशी हो जाएगी और उसी मिल जाओगे जाकर, ये संस्कार जो आती है। इससे पहले मैंने कभी किसी ने नहीं बोला, इसने कहा बोले तो सब बता तो देख बोलो सब आप जो नाम लेते हैं उनका बता दो सबका सब, तो वो संस्कार दिया जा रहा है और उनके अंदर जिस आदमी को बैठ जाता वो संस्कार काम करेगा, ठीक है ना। ये हर आदमी ज्ञान का भंडार है, किसी को कोई सोचती मेरे को सुझी नहीं कभी कि सब अच्छा किसको बताओ किसको पता है कौन कौन मानेगा सही, अब मेरी बात को कौन मानेगा सही, जो मेरे साथ बीती बात उसको सही मानेगा, तुम्हारे भी करके दिखा दे आप क्या पड़ी चाल तुम्हारी भी हो जाए सब कुछ खुद करता तुम्हारे भी कर दे, अब वो पहले कहते अब मैं नहीं कर सकता भाई आप में सकती है सर आपका विश्वास रहता है, अब प्रसाद तुम दिवाते ना और उसको तरह भी दिया दी ये काम तेरा हो जाएगा, एक तेरा विश्वास है तो हो जाएगा, मेरे में शक्ति नहीं है पहले बता दिया बात, तेरे मेरे में शक्ति नहीं तेरे में विश्वास में है तो बात तो मैं कह दी छुपाई हो रखी ने, ये नहीं कि तू ले जा रहा हो यार फिर मैं फूल जाऊँगा आपको भी अब कहीं जो ब्लेंड फिर से पकड़ी फिरते मेरे को, और वो समझेगी बोली पूरी उम्र बस आवती बैठी उसका छोरा बैठा आदमी बैठा कल आया वो कहाँ जाए पूछे देखो अब पीछे फिर बात तो समझते नहीं, आप मेरा काम करो सो सारा आप कर देते हो ये कर देते हो करते सो ओवर बताता हूँ मैं कहीं नहीं जाता कहीं नहीं जाता वो कभी टाइट को नहीं मारे आप करते हो और उसके विश्वास में काबू जाता है सीधी उसमें है कि मेरे में सीधी उसमें आप समझेंगे नहीं आदमी में सीधी है या और ये काम जो है बाहर का गुरु करता तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। अब सुन लो जोर देख फिर कह रहा हूँ बगैर जिंदे गुरु के कुछ कोई नहीं देगा, जिंदा गुरु आपको जी साल तोड़ दिया उसे आगे निकालेगा, आप रूप देखते हो तो रूप को सताएगी जिंदा गुरु समझ देगा,
फिर तो तू ध्यान करता है, अरे तेरा विश्वास काम करता है तो गुरु गुरु कुछ नहीं आता, चोट टकती है तो मानता उसको, राम नहीं आता तो बुद्ध है राम आता नहीं, ये कैसे कहता है, क्या बात मेरे को है तू मेरे राम आ गए, आप समझे कि नहीं। और मैं सच्ची बात बता देता हूँ, रखता नहीं कोई चीज़, चाहे ब्रह्म में रहे, अब मैं तेरे सोबर कह दिया मैं कुछ नहीं करता, तू तेरे में सब कुछ है, नहीं तेरे सोबर कह दिया तेरे कोई जरूरत नहीं चाह देने की, कोई जरूरत नहीं मेरे कुछ, ये पता है क्या नाम है, ये देता नहीं मेरे को यार बिस्कुट वगैरह देता है, तो मैं कुछ नहीं आ गया तेरा सारा। तो सच्चाई ये है कि मनुष्य में शक्ति है, वो अज्ञान है, अज्ञान को दूर कोई जिंदा अनुभवी गुरु करेगा, और वो एक एक अटक इसी निकाल के इस मन से तू ना यार है, कोई देवी को नहीं आवे, क्यों कैसा उतरे, मैं जीवता को जाऊँ ना जगह से मेरे रूप देखते हैं, और बहुत से लोग चिपटे फिरे ऐसे भी, जब मैं जिंदा जाऊँ तो कैसे मान लो कोई गुरु आता है या राम आता बालाजी आता है, वो तेरी आस्था बनाती है, तेरी आस्था बनाती है, तो इससे कहीं का विश्वास टूटता है, टूटे मेरी बला से, मैं सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई है। मैं कहेगा कि लेता मैं पहली क्लास दूसरी क्लास का टीचर नहीं हूँ, ये बी ए तक का नहीं हूँ, एम ए का भी नहीं हूँ, पी एच डी कराता हूँ, पी एच डी समझ आखिरी चीज़, तो वो काम करता हूँ, अब समझे कि नहीं। अब जिस आदमी क्या समझेगा पी एच डी वाले की बात, प्राइमरी का लड़का क्या समझेगा, सेकेंडरी का क्या समझेगा, जो दसवीं बारी दसवीं ग्यारहवीं नौवीं दसवीं पढ़ रहा है वो क्या समझेगा उसकी बात, पी एच डी की बात पी एच डी वाले समझे ना, तो अभी जो पढ़े रखा बुद्धिमान आदमी वो तो समझेगा भाई, और बाकी जो सब बोरी रहेगी, पर मैं तो वो बताने के लिए आया हूँ, वो बताना चाहिए ना कोई, और ये जो काम जो बताता है साधन का, ये कौन बताता है, कहीं लिख रहा क्या है, कहीं माथों में टीका लगा रहा क्या है, बोर्ड की तो कहा कोई कुछ टीका लगा दिया, शायद तुमने वो कराया होगा, बताया है नहीं। और वो बात यह कहती सलाम बता दे, सत्संग दे करिए आखिरी वो चीज़ संस्कार दे दे, ये कमला कही मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात, ठीक क्या बताऊँ इसको, मेरे पास वो आई वाणी में लिखा क्या, मैं कहूँ कौन से भाई कोई मेरी नज़र नहीं आई, मैं कहूँ कौन से भाई कोई मेरी नज़र नहीं आई, मैं तो कोई इसका इच्छुक नहीं आया, तो मैं किसके लिए कहूँ, वो इच्छुक आया तो मैं बोल दूँगा, इसे कहा ये बोल बता संस्कार तो दे दो कम से कम, शायद कभी उसका जाएगा, मेरे दिमाग में नहीं है ये बात, समझेंगे बात। तो हर आदमी ज्ञान की खान है, ज्ञान बुद्धि ये खान है, तो ज्ञान जो पीछे आदत पड़ी रही है उसको पिछली बाण अधूनित जी कृष्ण कह रहे हैं उस स्वामी को, वो चाप रहा था ना, बोले क्या बोले दाढ़ बाजें यार दाव दाव बाजें, तो उसको विचारा करते बोले पिछली बाण अधूनित जी पहली बाण भाई बोले तो झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलने जा रहा है, तो पिछली बाणा जो नहीं था जी लोग बाण नहीं सकते, आई समझ में। तो आज का सत्संग मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि पिछला जो सच्चा जो असली ज्ञान चाहते हो तो जिंदे अनुभवी पुरुष की संगत करो, कौन अनुभवी है जिसको तुम मानते हो, किसी ने पूछा पता नहीं कमलार के ये चीज़ करे बोलना भी पता नहीं किसी ने बताया, बोले तू खुद कर दे तू मान ले, मेरे करें मत मानना, मेरी बात मत मानना, तेरे जस या तो कर दे बात कर, तेरे जस से काबू है ना, ये सच्चाई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप हमेशा सत्संग सुनते हो, सत्संग सुनो और वो जस जाता आपको वो तो है सही, नहीं जसता तो कुछ नहीं, जस किया तो जस किया नहीं तो आप उसमें सीखोगे, तो सत्संग सुनो और पिछली आदत से वो छोड़ो, यानी गुरु को मानस मत जानो, सतपुरुष की जान मान लो, और जब तक आगे नहीं प्रकट हो तो पूरी जिंदगी गुजर जाए उसको पूरा समझ लो, अगर पूरा समझ लोगा तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, और आपको आदत आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाएगी और आगरा जरा शुरू होगा फिर वैसे हो जाएगा, अंत में अगर वो आ जाता है तो आपका गुरु समझे तो उस वक्त क्या होगा, जब आपका सही छूटता है अंत में ईष्ट आ जाता है तो फिर दोबारा आपका जन्म होगा, और किसी ऐसे घर में जाओगे जिसमें पहली संबंध व्यवस्था बनी ली होगी और बाकी आगे का ज्ञान आगे से फिर मिलेगा,
भक्ति कमाई फिर करोगे तो ये फकीर जी भक्ति कमाई क्या रहेगी फिर, वो तो गुरु को मान दिया था उनसे सब कुछ, तो भक्ति कमाई ये रहती कि वो जो ईष्ट है वो मनुष्य है और वो पूरा नहीं है, और वो अगर लेके जाओगे तो तुम्हारी सूरत भारी हो जाएगी, जो अपना वजन एक सूरत का ले रहे हो और वो इस वजन ले जाने की ताकत नहीं होती उसमें, तो वह बॉर्डर जो है ना आगे और ज़मीन की खस्सी से जहाँ तक खींचती है वो नीचे खींच लेगी। ये साइंटिफिक तरीके से जाहिर किया है, कई देशों में डॉक्टर इकट्ठा होकर के वो रिसर्च करी थी, तो उन्होंने कहा कि पहले सीरीज से सीरीज छोड़ने से पहले कांच के गिलास में मना कर दिया उसको बिल्कुल से, और उसे बैठिए तो आखिर देखा शीशा तो फुटेड़ा मिला और उसको तोड़ लिया तो कुछ वजन जो था कुछ कम हो गया, जो पहले था उससे वजन कम हो गया कुछ, तो उसको पता चल गया कि वजन लेके आगे नहीं जा सकती, मतलब उनकी एक्सपेरिमेंट है वो, तो दूसरे रूप जब साथ जाएगा तो जा नहीं सकते क्योंकि उसमें थोड़ा वजन होगा और उसके अंदर वजन वाली कोई चीज़ नहीं, तो आप बोलिए इस चीज़ में कोई वजन है तो वजन है, न कोई रंग है न कोई रेखा इसकी, समझे ना, ये अकह अपार अगाध अनामी तो खुद आप हैं, आपकी सूरत है अकह अपार अगाध अनामी, न तो बताई जा सकती न उसका कोई था है न कोई जान सकता है न गहराई जान सकता है, ये कहाँ से आई है, आज इसने अपने आप को जान लिया बस सर, तो अपने आप को जानेगा इस तरह से, समझे, जिसको लगन होगी सत्संग बन के और वो आखिरी ईद आ जाएगा, फिर उसको होता है यही मंजिल है, ये आखिर मंजिल है, और वह मैं तो उदाहरण दे दिया आपको रोजाना के लिए तुम्हारे साथ क्या होता होता हूँ, अब वो काटेगा इस बात को साथ ने सो की देखा पाँच दस पागल हो जाएगा, तो आखिरी मंजिल वो है वो आनंद है वहाँ पर कुछ नहीं है सब छूट जाएगा। तो ये बात मैं बताता हूँ कि जो कुछ आपके अंदर है आप उल्झो मत दूसरे विचारों में, विचार तो आइए जीव गजत है उल्झो मत ना, इनमें सच मत मानो, न विचार के पीछे भागो न रूप के पीछे भागो और न क्या कहते प्रकाश के पीछे भागो न शब्द के पीछे भागो, क्योंकि तो आप पता करते हैं जब इनके पीछे नहीं भागोगे तो अपने आप ठहर जाओगे, अपने आप खुश रहेगा चेतनता रह जाएगी और वह चेतनता जब जो गायब हो गया उसमें मिलेगी, ये सत्संग है ऐसा बात, तुम्हें तो बाहर से कुछ नहीं आता है, न कोई प्रकाश आता है न कोई रूप आता है न कोई शब्द आता है, सबका सब आप प्रकट करते हो, तो सार कौन है आप, समझे कि नहीं आप, और बाकी सब है सबका सब, ये प्रकाश शब्द वगैरह आपके पीछे घूमते हैं, ऐसा बात लास्ट चीज़ है, ये लास्ट चीज़ है कि जो इसमें नहीं उड़ता वो जब छूटेगा इधर से तो कोई रूप रंग रेखा नहीं है और वो अपना आप रह जाएगा, सब को छोड़ देगा, शब्द को प्रकाश को रूप और आपको सब, जब एक ही चीज़ को देगी आप सब वॉइस के अंदर ही, तो वह वॉइस है वह कह पार अगाध अनामी, एक तो वो आती है, दूसरी बात जो सुनने वाला है वो आप वो ईश्वर अंश है वो आखिरी उसका अंश, तो वो क्या है कह पार अगाध अनामी और वो आप, तो मेरे मकसूद गुण है आप, अब उसको बताने के दाता जाल ने क्या कहा अपन उसको मर्जी को, तू मरकज आलम है मर्द फकीर, तू मरकज आलम है तू है घूम रही है पूरी दुनिया तेरे हो के गिरद असीर हो के तेरे गिरद घूम रही है सर हाजुरी, तू मरकज आलम है अशीरी बात को नहीं कही कि तू सारे यार असली तू है तेरे में तू परमात्मा का रूप है और सब खेल तेरा है, आवाज करने के बजाय उसने फिर अनुभव करी खुद मतलब फकीर चंद जी का, मैं अगर नहीं जाता हूँ तो खुद आता जान मेरे अंदर नहीं आता, उन्होंने अपने मुँह से कभी नहीं कही मैं आता नहीं आता, ऐसे अंत समय ये कहा मैं ले लो माल लुटा रहा हूँ ले लो कोई लेना ले लो, अब ले लेके बात बताई को इंसाफ, अब जो दाता दयाल को पढ़ता है वो बुद्ध है, दाता दयाल ने सोच के वाणी में कहा पंडित फकीर चंद जी को, तो जो हमारा कमल है वो बुद्धू है, वो दाता दयाल को पढ़े बाउल टाइट है, उसने यह बात पढ़ी नहीं, उसने ये नहीं पढ़ी कि फकीर को क्या कहा उनने, और वो ही बता था वो वाणी जो है मैं दाता दयाल की बोल रहा था, तो बुद्धू है वो उसको कोई पता नहीं, वो कहते ऑर्थोडॉक्स कहते हैं उसको पुरानी आउट ऑफ डेट, वो सत्संग देता है वो
क्यों देता है, वो अपना आप को बड़ा समझता है, वो लिख रहा है 10,000 उसकी व्याख्या लिख रही है, सब ये शब्द है। और ऐसा उठ पटांग शब्द कह रहे कहीं जो पहली है वो कुछ नहीं, तो वो दाता वो पढ़ता वो, तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ता, किसका, अमरीका, मगर तो मुझे तेरे को पता नहीं होता, वो तेरे को पढ़ाता है 10,000 ने इसको ऐसा कहा, तेरे को इसका ज्ञान हो जाता नहीं तो तू शिक्षित आदमी तेरे को क्या बताता, पढ़ाता है तो इसे पढ़ लिया करती है, ज्ञान होता जाएगा तेरे को दाता जाल का, और जरूरत नहीं है उसको ज्ञान की, दाता जाल के ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, और जो कहता वो गुरु नहीं है वो उल्लू है, समझे कि नहीं, जिस चीज़ को मना करेगा कि भाई मेरे तरह ज्ञान प्रश्न नहीं करेंगे, मेरा ज्ञान ओट है, तो फिर शिक्षा को बदल देना, शिक्षा को बदल देना, शिक्षा जगह जगह, और अब तक तो दाता जाल को आगे रखते, पंडित फकीर चौके शिक्षा बदल देना, अरे उसने शिक्षा बदल दी कि तुम मंत्र कर जालम हो सब कुछ, वो सारी बात नहीं, फकीर का तो नाम ले तो आत्मा नहीं जा, फकीर का नाम ले तो आत्मा नहीं जा, कभी उसको कहा फकीर को शिक्षा बदल देना, पर अब जो फकीर ने कहा वो जो आदमी बैठे थे उनके लिए था, अब जो हाजिर बैठे वो जो ऊपर बैठे ना वो है, वो अगर कुछ अनुभव है तो बताएगा, नहीं हो तो कोई बात है खोल ले जाओ, समझेगा नहीं, आज उसने मान लिया सीधी आ जाएगी, उसने मान लिया ना फकीर जो मूर्ति से आ जाती है उसे मंत्र रुक जाता है, और मन रुक जाता बात समझेगा काबिल बन जाते हो, कोई बात हो दिमाग आ जाएगी, ठीक है ना, तो आज का सत्संग समझ गया आपने मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सब कुछ आप हैं और आपके लिए है जिंदा गुरु, और जिंदा गुरु निकालेगा, तो आप जब तक काम करते हो ये बात सही करना सुनाना, दाता जाल की वाणी आउट ऑफ डेट है, और ये बाकी ओट है फकीर की वाणी आउट ऑफ डेट है, जिसे नहीं देखे आप पूछे देखे फकीर को मिले नहीं आप, और कहानी को बताते हो फकीर को ये होया फकीर को ये होया, फकीर ऐसे कहता था, फकीर को सुनाओगे तो क्या आप जा सकते हो, आप कहते ही नहीं जा सकते, क्योंकि फकीर को आपने देखा नहीं सुना ही नहीं, वो पूरी सारी बातों को मानते हो, फकीर आपको आगे बताएगा नहीं, हाजिर गुरु को तो मानोगे नहीं, तो मेरे साथ रहता जय सिंह वो कहता था जिले सिंह जी, तो जिले सिंह जी तो कहता बोला फिर मैं ओ सोच मिला हाथ मिलाया फिर मैं तारा सिंह भारत मेरे को ऊपर डाल दिया ऐसे, अरे से मेरे को ऐसे खेला ये खेला, अब तारासन जी महाराज को किसी ने देखा नहीं, उसको किसी ने देखा नहीं, और अब मैं भी के सागर फिर लाग रही हूँ, और गाड़ी देगी मेरा सागर पर है, मैं के सामने से सब बैठा हूँ, मैं गुरुओं का गुरु हूँ पितामा हूँ, और मेरा वो नाम नहीं लेता कभी चर्चा ही नहीं करता, समझेगी नहीं बात, अब घर के बैठे हो आप गुरुओं के सामने बताता, डॉक्टर कमला उसके कमरे में देखो फकीर से फोटो लग रही है, अब फकीर से जी कोई नहीं देखा नहीं करी मिली नहीं कोई बात नहीं, फकीर को मानती है, फकीर साहब बताओ को नहीं, और मेरी बात असर करेंगे कोई नहीं, समझेगी नहीं बात, तो बात यह है कि आज इष्ट जो है वो अब इष्ट का ये पहचान है, ये लगाया था ये लगाया ये लगाया सब तेरे प्यार है, समझेगा नहीं कि इष्ट को कुछ क्या करूँ, ये बोर्ड लगा दिया ये कर दिया वो कर दिया, एक दिन तो मेरे को कहा था मैं बोले ये मत दिया कर मेरे कुछ, बोले मैं चाहता हूँ क्या दूँ आपको, जो कुछ देना था दे नहीं सकता हूँ मैं सबको दे दूँ, ये तो विचार है वो विचार काम करता है, समझे ना बात, तो हाजिर इष्ट हुए इस तरह से मानता है तो भैया उसके अंदर वो बात हाजिर बात बता देगा, उसके बाद फिर यकीन है तो काम हो जाएगा, नहीं यकीन है तो वो दूसरा देखो और देखो कहीं यकीन आओ, एक जन्म नहीं है दूसरे में जाएगा तीसरे में जाएगा आके रहेगा वो सुनोगा बस संस्कार काम करेंगे, ठीक है, तो आज का सत्य आपको खुला खुलासा बताया है, ज़्यादा नहीं बता करके की चीज़ बता दी मैंने, ये जो कहानियाँ बताई वो कहानी नहीं वो प्रैक्टिकल बात बताई मैंने आपको।